करने पर उसके मकान मालिक ने उसे घर से निकाल दिया। मुस्लिम महिला ने ली बीजेपी की सदस्यता, मकान मालिक ने दी भत्ती भत्ती गालियां। नरेंद्र मोदी से नफरत करने वाला मकान मालिक, एक तरफ बीजेपी में सदस्यता अभियान चल रहा है, देश में नए नए लोगों को बीजेपी का सदस्य बनाया जा रहा है, प्रधानमंत्री मोदी के न्यू इंडिया मिशन में कदम से कदम मिलाकर चलने को कहा जा रहा है, लेकिन वहीं अलीगढ़ में कुछ ऐसा हो रहा है जो चौंकाता है। जिस देश का संविधान हर नागरिक को मौलिक अधिकार देता है, विचारों की स्वतंत्रता देता है, उसी देश में एक महिला के साथ लगातार अन्याय हो रहा है। अलीगढ़ के दहली गेट थाना क्षेत्र में एडीए कॉलोनी में एक मुस्लिम महिला किराए के मकान में रहती है। प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी से प्रभावित होकर उसने बीजेपी की सदस्यता ली, लेकिन इस तरह महिला का बीजेपी में शामिल होना उसके मकान मालिक को नागवार गुजरा। हाल ही में महिला मोर्चा की एक बैठक में शिरकत करते हुए पीड़ित मुस्लिम महिला गुलिस्ताना की फोटो अखबार में आ गई, तो मकान मालिक ने महिला को भद्दी भद्दी गालियां दी और घर से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद से गुलिस्ताना इंसाफ के लिए भटक रही है। तो हमारे मकान मालिक देख के वो हमसे ये कहने लगे कि ये तुम कहाँ जाती हो, ये हिंदुओं से तुम आप ऐसा करा रही हैं वैसा करा रही हैं, गंदे गंदे अल्फाज बोल रहे थे हमसे, और लिख लो हमारा मकान खाली करो अभी, ये बदतमीजी सुबह से हमसे लड़ रहे थे, हमसे हम दो तीन किराएदार हैं, दोनों तीनों हम परेशान हैं वहाँ पर, हम बिजली पानी तो उससे उसको परेशानी होती है इनके मकानदार को कि भाजपा में क्यों जा रही हो तुम, और तुम्हारे मतलब बुलाकर शिकायत करूँगी, आदमी को बुलाऊँगी, घर से निकलवाऊँगी, और इस तरीके से इनके साथ में गंदी गंदी गालियों से पेश आती है कि तुम गई क्यों मीटिंग में और हिंदुओं में जा रही हो, मतलब और भी बात है उनकी सीधी जो कहने की नहीं है। पीड़ित महिला ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। इस पूरे मामले में एसएसपी का कहना है कि विवाद बिजली के बिल को लेकर शुरू हुआ था, जिसके बाद मकान मालिक ने गुलिस्ताना की पार्टी को लेकर अपमानजनक शब्द कहे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। उसने आकर के दहली गेट थाने में एक तहरीर दी जिसमें पूरा ये उसने वर्णन किया, उसी के आधार पे हम लोगों ने मुकदमा पंजीकृत कराया धारा 323, 504, 506 आईपीसी के तहत में, और उसी के उसमें उसने दो जनों को नामजद किया, सलमान को और मदीना को जो कि 75 साल की वृद्धा है, उसमें से हम सलमान को पूछताछ के लिए अभी लेकर के आए हैं, उससे सलमान से पूछताछ कर रहे हैं, विवेचना कर रहे हैं। राजनीतिक दल में शामिल होना किसी का निजी अधिकार है। इस पूरे मामले में जिस तरह से गुलिस्ताना को घर से निकाला गया, अब देखना होगा कि पुलिस क्या कार्रवाई करती है और गुलिस्ताना को इंसाफ कब मिलता है। मुकेश गुप्ता, भारत समाचार, अलीगढ़। तो तस्वीरें हम आपको अलीगढ़ की दिखा रहे हैं, जहां पर मुस्लिम महिला का बीजेपी ज्वाइन करना उसके ऊपर भारी पड़ गया, मकान मालिक ने उसे घर से यहां पर बाहर कर दिया, और साथ ही यहां पर उसके साथ बदसुलूकी भी की गई है। जब महिला यहां पर शिकायत करने पहुंची तो यहां पर भी कोई बड़ी कार्रवाई होती नजर नहीं आई, लेकिन सवाल यहां पर उठ रहा कि आखिर बीजेपी ज्वाइन करना क्यों ऐसा अपराध बन गया जिसकी वजह से मकान मालिक ने उसके साथ इस तरह का बर्ताव किया, कार्रवाई की भी यहां पर जो गुंजाइश थी वो भी आखिर क्यों नहीं हुई, बड़ा सवाल है। अलीगढ़ में मकान मालिक ने घर से महिला को निकाला है, मुस्लिम महिला थी जिसने बीजेपी के सदस्यता अभियान के तहत बीजेपी की सदस्यता ली थी, उसकी फोटो पेपर में छपी, जब मकान मालिक ने उसकी फोटो देखी और उसके बाद उसका इस तरह का रुख जो कई तरह के सवाल खड़े करता है। अगर इसमें सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने पर इस तरीके का उस महिला के साथ बर्ताव हुआ तो किसी की कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, पूरा सपोर्ट होगा हर तरीके से, एक्स वाई जेड हर तरीके से उसको सपोर्ट मिलेगा, किसी भी तरीके से उसको कोई परेशान करेगा या इस तरीके की भावना लेकर के काम करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। तस्वीरें हम आपको अलीगढ़ की दिखा रहे हैं जो अपने आप में कई सवाल खड़े कर रही है। बीजेपी यहां पर ज्वाइन की थी लेकिन उसके बाद बखेड़ा खड़ा हो गया, मकान मालिक को ये बात नागवार गुजरी और उसके बाद यहां पर उसने उसे घर से निकाल दिया। क्या बीजेपी ज्वाइन करना इतना बड़ा अपराध है कि महिला को इस तरह की सजा दी गई, मकान मालिक का इस तरह बर्ताव और उस पर एक्शन न होना भी यहां पर कई सवाल खड़े करता है। हालांकि महिला के साथ पार्टी के लोग खड़े हैं और हर मदद की बात कही जा रही है, लेकिन इस तरह का व्यवहार, इस तरह की सोच अपने आप में कई सवाल खड़ी करती है। अलीगढ़ की तस्वीर है।
तो अलीगढ़ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर महिला ने यहां पर बीजेपी की सदस्यता ली तो मकान मालिक यहां पर भड़क गया और उसके साथ यहां पर दुर्व्यवहार किया गया, उसे मकान से निकाल दिया गया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश जी, जिस तरह से अलीगढ़ की ये तस्वीरें सामने आई है, मुस्लिम महिला ने बीजेपी ज्वाइन की और मकान मालिक ने घर से बाहर निकाल दिया, ये किस तरह की सोच है और आखिर कार्रवाई कब होगी? देखिए, जितने भी लोगों ने इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी से नफरत करने का काम, फैलाने का काम किया है, उतना ही ज्यादा भारतीय जनता पार्टी लोगों के दिलों तक पहुंची है। जिन लोगों के मन में भी इतनी कसदा भरी हुई है, वो लोग भाजपा को पहले नजदीक से आकर के दिखने का काम करें, और कोई भी अगर विधि विरुद्ध कार्य करेगा तो उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार कठोरता से कार्रवाई करेगी। जिला प्रशासन इस पूरे मामले को संज्ञान लेगा कि किस प्रकार से वहां पर कोई क्रूरता की गई है या किस प्रकार की हिंसा की गई है। अगर कोई किसी को प्रताड़ित करता है तो निश्चित तौर पर कानून अपना कार्रवाई करेगा। लेकिन मेरा इतना निश्चित तौर पर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जैसे एक राजनीतिक दल जो सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करता है, जो सिद्धांतों की राजनीति को लेकर के आगे बढ़ता है, ऐसे राजनीतिक दल के साथ अगर कोई जुड़ता है और उस पर इस प्रकार नहीं, मैं तो कह रहा हूँ बीजेपी से कोई जुड़े, कोई कांग्रेस से जुड़े, किसी भी पार्टी से जुड़े, उससे आखिर किसी को किसी तरह का विरोध कैसा? ये तो किस तरह की सोच है जो किसी को इस तरह की आजादी भी नहीं देती? देखिए, ये इस तरह की सोच लगातार वर्षों से विपक्ष के लोगों ने लगातार निर्मित करने का काम किया है, विशेषकर अल्पसंख्यक समुदाय के मन में लगातार डर बैठाने का काम विपक्ष के लोगों ने किया है। हालांकि पिछले 5 वर्षों की नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने और आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने इन सारी आशंकाओं को धूल-धूसरित किया, और यही कारण है आज बहुत बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समाज के लोग भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। चलिए राकेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ अलीगढ़ के एसएसपी आकाश तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश जी, अलीगढ़ में जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, मुस्लिम महिला थी, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की और मकान मालिक ने घर से बाहर निकाल दिया, दुर्व्यवहार किया, ये शिकायत लेकर भी पहुंची थी, क्या कुछ कार्रवाई हो रही है अभी? इसमें जो गुलिस्ता जी तहरीर लेकर के आई थी उसमें मुकदमा पंजीकृत करा दिया गया धारा। तो लगता है उनसे हमारा संपर्क यहाँ पर टूट गया है। आकाश कुलहरी थे यहाँ पर अलीगढ़ के एसएसपी, यहाँ पर उन्होंने, और राकेश त्रिपाठी लगातार हमारे साथ बीजेपी से बने हुए हैं। राकेश जी, जिस तरह की ये तस्वीरें हैं, शिकायत लेकर महिला पहुंची थी, वहां पर भी कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई? निश्चित तौर पर पूरे मामले का जिला प्रशासन की संज्ञान लेगा। आपने अभी एसएसपी को वहां जोड़ने का काम किया था, पूरा मामला शासन के संज्ञान में आ रहा है और निश्चित तौर पर इसको शासन गंभीरता से देखेगा। किसी भी व्यक्ति का ये मूलभूत अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है कि वो अपने पसंद के व्यक्ति को, अपने पसंद की राजनीतिक दल को चुन सकता है, ये उसका संवैधानिक अधिकार है। और अगर किसी प्रकार से कोई इस अधिकार में बाधा उत्पन्न करता है तो उसके खिलाफ कठोरता से कार्रवाई प्रशासन करेगा। हम अपेक्षा करते हैं कि अलीगढ़ प्रशासन इस पूरे मामले को, बिल्कुल हम भी यही उम्मीद करते हैं कि इस तरह की सोच समाज में नपन पे किसी के साथ भी इस तरह का भेदभाव न किया जाए। तमाम जानकारी देने और हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया। तो अलीगढ़ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे जहां पर किस तरह से मुस्लिम महिला के साथ दुर्व्यवहार किया गया, किस तरह से यहां पर बीजेपी ज्वाइन करने पर मकान मालिक ने उसके साथ यहां पर बदसलूकी की है। इधर सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर मंडल की समीक्षा